नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। खबर है जहां पर हरिद्वार में मकर संक्रांति के पावन पर्व को लेकर श्रद्धालुओं का सुबह से ही गंगा के घाटों पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि श्रद्धालु मां गंगा की आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि मान्यता है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायणी की अवधि को देवता का दिन और दक्षिणायन को देवता की रात्रि कहा जाता है और इसी दिन स्नान दान जप तप श्रद्धा तर्पण और अनुष्ठानों को बहुत महत्व दिया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर माँ गंगे की आरती देखने के लिए आए हैं। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जैसे कहा जाता है कि जो सूर्य है मकर राशि में चढ़ रहा है, तो इसके लिए जो है महादान का आज विशेष रखा जाता है। आज के दिन महादान माना जाता है और यहाँ पे काफी आनंद आ रहा है हम लोग। चलिए हरिद्वार से खबर है जहां पर आपको बता दें नशे में धुत सिडकुल के रीजनल मैनेजर ने रेसिडेंशियल सोसाइटी में जमकर हंगामा काटा है। आपको बता दें कि उन्होंने खुद को अपार्टमेंट का मालिक बताया था और अपार्टमेंट के गेट पर सरकारी गाड़ी खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया था। इसको लेकर गुस्सा है लोगों ने अधिकारी के साथ धक्का मुक्की की थी। मामले की जानकारी मिलने पर सिडकुल पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही आपको बता दें पूरा मामला शांत कराया। इस तरीके से मामला हुआ, एक शख्स ने गेट पर आके, हालांकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक उन्होंने की हुई थी, उन्होंने बताया मेरा नाम गिरधर रावत है और मैं आरम सिडकुल हूँ। अब ऐसा कोई पहचान तो हमारे गार्ड भी नहीं कर पाए और हम भी नहीं कर पाए कि वो आरम सिडकुल हैं और क्यों हैं और क्यों वो यहाँ आए हैं। उन्होंने आके गेट पर हंगामा शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा अत्यधिक नशे की हालत में थे और आके उन्होंने हर तरीके से गार्ड्स के साथ सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बदतमीजी स्टार्ट करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिडकुल का मालिक हूँ, मैं आरम हूँ यहाँ का, मैं यहाँ सिडकुल का मालिक हूँ और यहाँ हर चीज मेरे हिसाब से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दुगज्जा क्षेत्र से सटे जय हरिखाल ब्लॉक में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया और महिला ने साहस दिखाते हुए दोबारा हमला करने आए गुलदार को धक्का दे दिया और शोर मचाया, जिसके बाद गुलदार भाग गया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज लगातार जारी है। ईयर्स ओल्ड फीमेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोटद्वार रेफर किया गया। उनको हमने एग्जामिन किया तो वाइल्ड एनिमल अटैक के उनके जो है ट्रेस मिल रहे हैं। तो उनके लेग पर एक निशाना है जो कि बाइट का है, दूसरा एक आर्म पे आया है, दोनों सिंगल लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग पर आया है। बाकी हमने उनको एडमिट कर दिया अंडर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड वेट कर रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट्स का। बाकी अब देखते हैं कि क्या रहता है उनका एक्सरे रिपोर्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या ओपिनियन देते हैं। कर्णप्रयाग नगर पालिका के आपदा पीड़ितों को भवन खाली करने को नोटिस थमाकर प्रशासन ने उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है, जिसको लेकर आपदा पीड़ितों में आक्रोश पैदा हो गया है और नाराज लोगों ने कहा कि पहले मुआवजा तय किया जाए तभी भवन खाली किए जाएंगे, मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन किया जाएगा। कर्णप्रयाग नगर पालिका के अंतर्गत पहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों की मदद करने की बजाय तहसील प्रशासन द्वारा भवनों को खाली करने के लिए नोटिस आने शुरू कर दिए गए हैं, जिससे नाराज आपदा पीड़ितों ने खासी नाराजगी जताई है। प्रभावित लोगों का कहना है कि जोशीमठ में जिस तरह से आपदा का मुआवजा दिया जा रहा है उसी तरह से हमें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ित 85 वर्षीय बुजुर्ग ने कहा कि यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो सड़कों पर ही प्राण त्याग दिए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। भाई भू दुर्साव तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बहुगुणा नगर में, कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर PWD का नाली ना होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा जो भी जब तो जांच का विषय है किससे हो रहा है ये नुकसान, पर यह है कि जिस प्रकार जोशीमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी नियम हुआ है वो ध्यान लागू किया जाए। हम भवन को तब खाली करेंगे जब हमें इसका मुआवजा पूरा मिले और आज जब तक मुआवजा नहीं मिला 100 नोटिस दे और ये मेरे को खत्म कर दो यहीं पर, मैं यहीं पर से जाने के लिए तैयार नहीं। ये नोटिस कब आया? ये कल आया मेरे पास, कल रात को दिया करीब 7-6 बजे। आप लोग क्या चाहते?
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के चलते चालक को चाकू मार दिया गया। मुजफ्फरनगर निवासी सुनील कुमार पर चाकू मारने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें शराब पीकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और बहादुराबाद थाना क्षेत्र में घर से लापता हुए युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दादोपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता का शव रॉयल गेस्ट हाउस से मिला है। और आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि उन्हें फोन के माध्यम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है, जिसके बाद पुलिस को कार्तिक का शव बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कार्तिक कुमार, जिसकी उम्र 22 वर्ष, कल अपने घर पर नहीं पहुंचा था। आज सुबह बहादुराबाद थाने में परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामला यह है कि ये कल से गायब था और सुबह फोन आया पैसों के लिए। उन्होंने कहा दे दो, नहीं तो जो है खत्म कर देना। हाँ, पुलिस को सुबह से ही करा था। पहले तो आदमी ढूंढता ही है, देखो साफ बात। अब जब नहीं मिला, फिर जब फोन आ गया था तो फिर पुलिस। देखिए, ये कार्तिक कुमार है, करीब उम्र 22 साल की है। ये कल अपने घर नहीं पहुंचे थे और इनकी मदर द्वारा जो आज प्रातः 10:30-11 बजे बहादुराबाद थाने में गुमशुदगी लिखाई गई थी, और इसी दौरान गुमशुदगी के लिए जब हमारी टीम तलाश में फोटोग्राफ वगैरह के आधार पर जाँच कर रही थी, तो दोपहर में उनकी माता जी द्वारा बताया गया कि कार्तिक के फोन से एक फोन आया, जिसमें उसको फिरौती की मांग की गई 70 लाख के करीब बात बताई गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में मौसम खराब चल रहा है। बात की जाए उत्तरकाशी के निचले इलाकों की, तो यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में तो जमकर बर्फबारी भी हो रही है। अर्शद घाटी में इस सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई। वहीं गंगोत्री धाम की बात की जाए तो वहां पर 1 फीट लगभग बर्फबारी हो गई है। और मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बादल छाए रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समकक्ष उत्तराखंड में भी कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है, और जिसकी तैयारियों में कांग्रेस नेता जुट चुके हैं। उत्तराखंड में 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा। और इसी कड़ी में हल्द्वानी स्थित स्वराज आश्रम में जिले के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई और इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में सरकार के खिलाफ चार्जशीट और राहुल गांधी का पत्र कांग्रेस की ओर से बांटा जाएगा और घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह उत्तराखंड में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलाकर एकता का संदेश दिया जाएगा और जन विरोधी नीतियां वाली सरकार को उखाड़ने के लिए संकल्प लिया जाएगा। आज तो देखिए जिला स्तर की बैठक है, अभी 18 तारीख को देहरादून में राज्य स्तर की बैठक होगी, जिसमें विधायकगण और पीसीसी के सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष और जितने जिला अध्यक्षगण हैं सबको बुलाया जाएगा। और 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू हो रहा है, जो 2 महीने के लिए ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे, वार्ड स्तर पे हर तरीके से प्रयास करा जाएगा। एक जो सरकार के खिलाफ चार्जशीट है वो पत्र बांटा जाएगा, राहुल जी का जो संदेश है वो घर घर में बांटा जाएगा। तो एक तरीके से ये जो अलख जगा दी है भारत जोड़ो यात्रा ने, उसी श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो गाँव गाँव, घर घर, शहर शहर और जिले में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को के उत्साह को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। साथ ही साथ जनता में संदेश देने का कार्य करेगा कि कांग्रेस आज इस मुश्किल की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों की पड़ताल को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। और इस दौरान सांसद ने कलजी खाल ब्लॉक में हुए जल जीवन मिशन योजना घोटाले की जांच टीएम को बारीकी से करने के निर्देश दिए। सांसद गढ़वाल ने बताया कि पूर्व की बैठक में अधिकारियों को जो होमवर्क दिया गया था उस पर अधिकारी खरे उतरे हैं। सांसद ने कहा कि पेयजल किल्लत की समस्या उनके समक्ष अधिक आई है, इसलिए लंबित पेयजल योजना को जल्द गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा। वहीं सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
युवा हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, और उसका जिस तरह से परीक्षाओं की तैयारी करता है, रात दिन लगे रहते हैं, यानी आर्थिक दृष्टि से भी कई लोग कमज़ोर होते हैं, उस अभाव में भी वो पूरा तरह मेहनत करके परीक्षाओं में बैठते हैं, और बैठने के बाद जब जाते हैं तो इस तरह यदि सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, तो उन पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, जिन जो लोग इस उससे रहते हैं, घिरे रहते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के शहीद सैनिक हवलदार वेद प्रकाश आर्य का अचानक ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से निधन हो गया। हवलदार वेद प्रकाश अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर चले गए। हवलदार वेद प्रकाश के निधन की सूचना पर गांव में शोक की लहर है। सेना के जवान शहीद हवलदार के पार्थिव शरीर को लेकर पैतृक गांव कालीगाड़ पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि तिरंगे में लिपटे शव को देख सभी की आंखें नम हो गईं। सेना के जवानों और बीएसएफ कंपनी और ग्रामीणों ने सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा को देखते हुए जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी भवनों का टेक्निकल टीमों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य जारी है और नगर क्षेत्र में 760 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं जिनमें दरारें हैं। इनमें से 128 भवन असुरक्षित पाए गए और इन भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी विस्थापन किया गया है और आपदा प्रभावितों के प्रशासन के द्वारा लगातार हर संभव मदद की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपदा से प्रभावित लोगों में भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। लोगों का कहना है कि अस्थायी व्यवस्था तो प्रशासन ने की है, लेकिन स्थायी विस्थापन के लिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भुस्कर सिंह बिष्ट है, मेरे मकान सिंगर वार्ड 4 में था, जहाँ पर मलाज होटल और मॉड व्यू है उसके नीचे जस्ट नीचे ही मेरा मकान है। तो हमको परसों सुबह आकर के जब जिस दिन ध्वस्तीकरण का कार्रवाई शुरू हुई थी उस दिन हमको उठा सुबह आकर के उन्होंने सर्वे टीम आकर के और निशान लगा के बोला आप आधा घंटे एक घंटे के अंदर आप निकल जाओ यहाँ से, आप शिफ्ट कर दिया, यहाँ बता दिया भाई पुरानी जगह पर आप जा करके वहाँ पर आपको कमरा दे रखा है, एक एक कमरा हमको दे रखा था। आप पूरे बाल बच्चे लेके नाती नातिने हैं, 8 परिवार, हम परिवार में 8 आदमी है। क्योंकि अभी कभी रिश्तेदार यहाँ रख रहे, कभी इधर ही ला रहे, कभी कुछ ऐसी कपड़ा तपड़ी हो रही, कभी यहाँ भाग रहे, कभी वहाँ भाग रहे, घर में जाओ तो कह रहे इधर जाओ, इधर आए तो कह रहे उधर जाओ, ऐसी करके चल रहा हमारा दिनचर्या। हम सरकार से ये चाहते हैं हम कब तक ऐसे करते रहेंगे, भागते रहेंगे, कुछ हमारा निश्चित कर दो, जो भी है जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी मतलब सबका भला हो वो कर दो आप लोग। जब मकान टूटी मेरी सरकार जगह दी तो धर्मशाला में, और कोई भी अभी थोड़े राशन पानी दिया ना, थोड़े 2-4 कमल दी तनारी, और अभी कोई सुटाई नहीं हमारी की हम कौ चोला क्यों बोलू कोई पता नहीं। रेड निशान तो लगा दिया सरकार ने बेशक, लेकिन जब तक हमारे स्थायी व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम मकानों पे कुछ करने नहीं देंगे, क्योंकि अगर धर्मशाला है उसकी क्या गारंटी है वो ठीक ठाक रहेगा, हो सकता है वो भी टूट जाए कल के दिन, तो अगर मरना ही है तो अपने घर में मर जाएंगे। व्यवस्था तो ठीक है, फिलहाल के लिए तो ठीक ही व्यवस्था है, बर्फ पानी हो जाएगा, बारिश पड़ेगी, बर्फ कुछ भी नहीं, बर्फ पड़ेगा बारिश, तो इसमें परेशानी है कि अब कपड़े भी तो थोड़े बहुत ना रखे हैं, इधर तो रखने के लिए भी बड़ी हो गई है, सब कुछ तो घर ही में है, तो अब यहाँ हम रखे भी कहाँ ढेर लगाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और पटवारी और लेखपाल पेपर लीक मामले में प्रदेश कांग्रेस ने सरकार से एक बार फिर से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि पेपर लीक मामले में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हक को मारने का काम कर रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव हरिद्वार में किया है। 12 तारीख को स्पष्ट होता है कि पटवारी का पेपर लीक हुआ है, पटवारी भर्ती का पेपर लीक हुआ है, और 13 तारीख को यूथ कांग्रेस घेराव करती है, क्योंकि इस प्रदेश में लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं। विधानसभा सत्र के माध्यम से अपने
एजिटेशन के माध्यम से, हर माध्यम से हम सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है, लेकिन सरकार कहीं कठोर निर्णय नहीं ले पा रही है। हमने UK SSC में कहा था CBI जांच होनी चाहिए, सरकार कोर्ट में गई, CBI जांच नहीं होनी चाहिए, STF अच्छा जांच कर रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि सब जगह पहुंचे। अगर एक टेबल में एक अगर अथॉरिटी है, एक अति गोपनीय विभाग का एक विभाग अधिकारी है, अगर वो एक परीक्षा को जिसका पेपर एक महीने पहले बना है अगर वो उसको कंफर्टेबली लीक कर सकता है और उसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर कर सकता है और बहुत सारे प्रतियोगियों को पहले परीक्षा उसका पेपर सॉल्व करा सकता है, तो जो PCS का एग्जाम का जो PCS मेन का जो क्वेश्चन पेपर है वो जुलाई से बना हुआ है, तो क्या उसको 6 महीने में ये वो सुरक्षित बचा होगा? क्या इस बात की कोई गारंटी है हमारे पास? चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले होने के बाद से प्रदेश में एक बार फिर से भर्ती में धांधली सामने आई है। लोक सेवा आयोग के बहाने आम सरकार एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोक सेवा आयोग पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और पुलिस की व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं और प्रदर्शनकारी कांग्रेस बैरिकेटिंग तोड़ते हुए लोक सेवा आयोग के गेट तक जा पहुंचे और जहां पर उन्होंने हंगामेदार प्रदर्शन करते हुए धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने चयन आयोग द्वारा निकाली गई सभी भर्तियों को रद्द कर CBI जांच की मांग की है। UK SSC भर्ती घोटाले उजागर होने के बाद और 40 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि अब राज्य के अंदर नकल माफिया जो है वो पस्त हो गए होंगे, वो हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन लोक सेवा आयोग ने जो 8 जनवरी को पटवारी भर्ती परीक्षा कराई उसमें नकल माफिया ने एक बार फिर सिर उठाया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मंगलोर की कस्बा चौकी के लंढोरा रोड से है जहां पर अनियंत्रित बोलेरो कार ने एक महिला और युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां घायल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसको देखते हुए घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दूसरा है शाहिल जो कि 20 साल का है, तो दोनों एक्सीडेंट करके आए हमारी इमरजेंसी में, तो इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हमने रुड़की के लिए रेफर किया है। शाहिल है, इसके सर में चोटें आई हैं और थोड़ा पैर में भी है, और जो शमा है उसके पैर में जो है सस्पेक्टेड है फ्रैक्चर हो सकता है, उसको भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमने रुड़की के लिए रेफर कर दिया। हम यहाँ पे खड़े हुए थे, सिम बेचने काम करता था लड़का, तो ऐसे ही एक बोलेरो आई और उसको घसीटते हुए यहाँ तक लेके चली गई। खड़े हुए तो कुछ मीटिंग चल रही थी, वैसे ही सिम विम तो बेचिंग रहे थे, सुबह का टाइम था, गाड़ी स्पीड पे थी और घसीटते हुए लेके चले गए। अब लड़का सीरियस है, देखते क्या और रेफर किया है। तो वहीं उधम सिंह नगर की जसपुर पुलिस के यहां तक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने लाखों की कीमत की, आपको बता दें कि शीशे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि पुलिस धर्मपुर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक ट्रक वाहन जसपुर की तरफ जा रहा था, पुलिस ने उसे रोककर जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी से 142 कनस्तर लीशा बरामद हुआ है और इस दौरान पुलिस ने मौके से ट्रक में मौजूद वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर दिया है। और आपको बता दें कि आरोपी यह लीशा ऋषिकेश से रुद्रपुर लेकर जा रहे थे और इसी दौरान ट्रक में 2 लोग सवार थे जिसमें से एक फरार हो गया है और एक को पकड़ लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अवैध मादक पदार्थ के साथ ट्रक को सीज किया गया है। कोतवाली में धर्मपुर बॉर्डर पे रात्रि चेकिंग करते हुए एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक है जिसमें अवैध लीशा लाया जा रहा है, तो इस पर प्रत्येक ट्रक की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान इसमें एक ट्रक है जिसमें एक 2 ड्राइवर ट्रक के अंदर थे। मौके का फायदा उठाकर एक ड्राइवर फरार हो गया, दूसरे ड्राइवर को हमने अरेस्ट किया है और 142 टन लीसा जो कि लगभग 2000 लीटर के करीब है वो इसमें बरामद किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और मामला कोटद्वार के दुगड्डा जिले से सटे
जहरी अखाल ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां पर खेतों में काम करने जा रही एक महिला को गुलदार ने गंभीर रूप से घायल कर दिया और महिला ने साहस दिखाते हुए दोबारा हमला करने आए गुलदार को धक्का दे दिया और इस दौरान आपको बता दें कि शोर मचाया तो वहीं हमलावर भाग गया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे गांव के लोग ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। महिला की हालत गंभीर होने से डॉक्टर ने महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। ईयर्स ओल्ड फीमेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोटद्वार रेफर किया गया। उनको हमने एग्जामिन किया तो वाइल्ड एनिमल अटैक के उनका जो है ट्रेस मिल रहे हैं। तो उनके लेग पर एक निशाना है जो कि बाइट का है, दूसरा एक आर्म पे आया है, दोनों सिंगल सिंगल लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग पर आया है। बाकी हमने उनको एडमिट कर दिया अंडर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड वेट कर रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट्स का। बाकी अब देखते हैं कि क्या रहता है उनका एक्सरे रिपोर्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या ओपिनियन देते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गदरपुर के थाना परिसर के गेट पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने लोहड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में लोहड़ी पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि इस तरीके का पर्व सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। मैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और अन्य पत्रकारों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं। आपको बता दें कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने यहां पर लोहड़ी पर्व की शाम को कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान आपको बता दें कि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। थाने के गेट पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पत्रकारों ने इस त्यौहार को मनाया है। नगर पालिका के अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि इस तरीके का पर्व सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। मैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और पत्रकारों के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। एक तरीके से बड़ा अच्छा लगा कि मुस्लिम और हिंदूज और पंजाबी सब मिलकर जिस त्यौहार को मनाते हैं और आइंदा से भी हमेशा मनाते रहेंगे। तो इसके जो बैक में जो दूल्हा भाटी की जो आपने जीवनी के बारे में आपने एक तरीके से रॉबिन हुड जिस तरीके से थे वो अमीरों से ख़त्म करके और गरीबों को वो करते थे सेवा भाव के तौर पे, तो हालांकि उनका तरीका गलत था लेकिन फिर भी आज उनकी याद में जिस तरीके से लोहड़ी मनाई जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।